इसके अंदर कौन लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं, कौन लोग हैं जो जिनको रोजे से रुख्सत दी गई है शरीयत ने, जिनको रोजे छोड़ने के लिए कहा गया। तो तीन किस्म के लोग हैं इसके अंदर जो रोजे को छोड़ सकते हैं। तो एक मुसाफिर सबसे पहला जो रोजे को छोड़ सकता है, दूसरा जो बीमार है वो रोजे को छोड़ सकता है, वो तीसरा है जो हेज निफास वाली औरत। ये तीन लोगों के लिए जो है रोजा छोड़ने की, जब जो नाबालिग है वो तो फिर अलग है, उनको ही मालूम है। तो ये तीन जो है शर्तें हैं इसके अंदर, जो तीनों जो शर्तें हैं जो जिसमें से दो मर्दों के लिए है और तीनों औरतें के लिए भी है हेज निफास से, तो ये इसके अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जो है एक वाक्य उसमें आता है कि एक जो है मुसाफिर था, उसने सफ़र के अंदर रोज़ा रख लिया, सफ़र के अंदर रोज़ा रख लिया, वो सारे वो क्या है कि नीचे जो है उनको चक्कर आ गया और बैठ गए, तो सारे लोगों ने क्या किया, उन पर चादर आकर टांग दी, और जो है बहुत से लोग आकर पंखा लेकर उन पर हवा करने लगे। अल्लाह रसूल सल्लम ने कहा कि क्या हुआ क्या हुआ, बोले इन भाई का रोज़ा है और ये सफ़र पर हैं, तो भूख की शिद्दत और पानी की कमी की वजह से इनको चक्कर आ गए, तो उनको छाया दे रहे हैं और उन पर पंखा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया ऐसा रोज़ा रखना नेकी नहीं है, यानी अपने ऊपर जुल्म करके आप रोज़ा मत रखो, आपसे अगर नहीं रखा था सफ़र के अंदर तो आप रख सकते हैं। ये है कि अगर किसी को अल्लाह ने ताकत दी है माशाल्लाह अच्छा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सफ़र में भी कर लेता है उसके बाद भी रोज़ा रख लेता है तो अलग चीज़ है, लेकिन सफ़र में रोज़े को रुख्सत दी गई है लेकिन बाद में उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, यानी पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, जो कोई अगर बीमार हो या सफ़र पर हो तो बाद में गिनती जो है पूरी कर लें, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ में नरमी चाहता है सख्ती नहीं चाहता, तो अल्लाह हमारे लिए नरमी चाहता है सख्ती नहीं चाहता, तो हमको छूट दी गई बीमारी के अंदर सफ़र के अंदर और बाद में उसको उसकी कजा कर सकते हैं। और ये सफ़र में रोज़ा रख कर ना वो ना करें, क्योंकि अपनी ये बताना ताकत तवा नहीं बताना, तो ये चीज़ें सही नहीं, फिर ये नेकी भी नहीं कि अगर आपको लग रहा है तो फिर आप दूसरे पे एहसान कर रहे हैं सफ़र के ऊपर, तब जिन भाई ने रोज़ा नहीं रखा तो आप रोजे पे सफ़र पर जा रहे हैं सबसे आगे, और सामान आप नहीं उठाया, सूटकेस नहीं उठा रहे, अपना बैग नहीं उठा रहे, बोले तो आप इनको उठाओ, आप उठाओ मैं रोजे से हूँ, तो आपने वो एहसान नहीं कर रहे हो दूसरे के ऊपर आप रोज़ा रख कर कि उनको कह रहे हैं आप सामान उठाने लगाओ, तो ये चीज़ें सही नहीं है, आप ये फिर नेकी में शुमार नहीं होगा। और कई लोगों का मामला आता है जो नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी है, तो उसके बाद में फिर वो जब रोज़ा रख लेते हैं तब वही है कि पूरे डिपार्टमेंट पर एहसान कर रहे हैं, तो जल्दी भी चले जाएंगे वो अलग, और उसके अलावा ये है कि उसके बाद जो है वहाँ के चपरासी परेशान, अगर वो अच्छा अहदे पे हैं तो चपरासी कहते हैं नहीं साहब आज अब क्या है कि फास्टिंग शुरू हो गई है, साहब के जो है उपवास शुरू हो गए हैं, अब उनको कोई परेशान नहीं करेगा, वो आधा काम करेंगे, और चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अरे क्या पहले से हम रोजे से हैं, हमारा उपवास है, समझते नहीं, हमारे ऊपर ही फाइलें फाइलें भेजे जा रहे हो, हमको ही काम बताए जा रहे हो, तो आप एहसान नहीं कर रहे, आप फ्री की तनख्वाह खा रहे तो हराम है वो खाना आपको, हमको काम के पैसे दिए जाते हैं, तो ये ऐसा रोज़ा रखना नेकी नहीं, ऐसा रोज़ा रखना नेकी नहीं। और अल्लाह के सुन फरमाते सही जो है मुस्लिम की रिवायत है कि अगर जो है जिहाद पे एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, रमज़ान का महीना था, तो किसी ने रोज़ा रखा और किसी ने रोज़ा छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ नहीं कहा, यानी सफ़र पर थे जिहाद के लिए जा रहे थे, तो कई लोगों ने उन्हें यह है कि अल्लाह उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल रोज़ा तोड़ रहे हैं क्योंकि हमको सफ़र पर जाना ताकत की ज़रूरत है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी। कई लोग जो ताकतवर थे उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे ही चलेंगे, तो अल्लाह के रसूल उनको भी इजाज़त दी, तो अपनी ताकत के ऊपर इसको हम वो रखें, लेकिन इसकी कजा करना बाद में ज़रूरी कि बाद में इसकी कजा की जाएगी। इसी तरह जो बीमार है, तो बीमार यह है कि अगर बीमारी उसको ज़्यादा है, उसको लगती है ज़्यादा बीमार हो, तो फिर वो रोज़ा ना रखे, और इसके अंदर जो लाइलाज जो बीमारी के जो मरीज़ हैं तो उनके लिए रुख्सत दी गई, जैसे कि किसी को शुगर है, तो शुगर है तो उसको शुगर अगर इस लेवल में है कि वो अगर उसको खाना ज़रूरी है हर 3-4 घंटे में उसका शुगर लेवल जो डाउन हो जाता है, तो फिर उसको रोज़े की रुख्सत दी गई, वो रोज़ा ना रखे। इस तरह ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसको ये कमज़ोरी आ सकती है, ब्लड प्रेशर का हाई लो हो सकता है, तो उसको फिर वो ये दिया गया है कि वो भी ना रखे। इसी तरह जो दूसरे मरीज होते हैं दमे के मरीज़ है, तो उनको लिए भी रहता है कि उनके लिए मसला हो सकता है। तो बीमारी अगर ऐसी है जो ठीक नहीं, या फिर बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र इतनी हो गई कि अब वो नहीं रख सकते, अब वो रख नहीं सकते, 70-80 साल की उम्र है, तो उसके अंदर वो रोज़ा नहीं रख सकते, तो उनके लिए भी छूट इसमें दी गई। और ये आदमी अपने हिसाब से रखना है, इसमें ऐसा भी नहीं कि आदमी को ये कि आजकल तो ये नॉर्मल बीमारी है कि हर दूसरे तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर छोटा मोटा तो रहता ही है, लो हाई उसको रहता है, या मुख्तलिफ उसको बीमारी रहती है, तो वो आदमी क्या कहता है भाई रोज़ा नहीं रखा, नहीं वो हमारा ये जो हमको ये बीमारी है फला है छोटी मोटी भी होती है, तो वो उसको कर उसको उस इस चीज़ पे ले लेते कि हमारे लिए रुख्सत है। लेकिन ये देखिए
आप अगर बहाना बना रहे हैं तो वो आपको मालूम है और आपकी नीयत को अल्लाह जानता है, उसको हमको किसी बोलने की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह उसकी नीयत को जानता है कि वो किस वजह से रोज़ा तक कर रहा है, तो अल्लाह को जवाब देना है, हमको जवाब उसको नहीं देना है। क्योंकि ये ऐसा मसला है कि अगर किसी ने जानबूझकर एक रोज़ा अगर छोड़ दिया, एक रोज़ा रमज़ान का किसी ने जानबूझकर अगर छोड़ दिया, तो पूरी ज़िंदगी में अगर नफिल रोज़े रख ले वो, तो उसके एक रमज़ान के रोज़े की वो भरपाई नहीं कर सकता। ये इसकी फजीलत है रमज़ान के रोज़े की। तो बिला वजह इसको तर्क करने से हमको इस्तिनाब करना चाहिए। और अगर जो है हमेशा वाली बीमारी है, वो आदमी नहीं रख सकता है रोज़ा, तो वो क्या करे, तो उसके लिए है कि वो इसके बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दे, जैसा कुछ वो खाना खाता है, ऐसा खाना वो एक मिस्कीन को खिला दे। या कई उलमा इसके लिए एक शेर जो है 1.25 किलो गेहूँ का भी कहते हैं, इतना गेहूँ वो किसी को दे दे, चावल दे दे, या जो भी चीज़ इतना दे दे, तो एक मिस्कीन को उसको खाना खिलाना है। अगर वो आदमी बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से अगर नहीं रखता है तो उसको कर सकता है। और जो है इसके तीसरी जो है वो एक खातून जो है जो निपास वाली औरतें, वो भी हैं कि वो बाद में रोज़ा रखेंगी, अगर हेज उनको आ गया, जो भी उनके अय्याम के जो दिन हैं, 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी हैं, तो उसको छोड़कर बाद में उसकी कज़ा को वो पूरी करेंगी, लेकिन कज़ा उनको रखना पड़ेगी उसमें उनको दी गई। हाँ, उसके अंदर नमाज़ वो नहीं पढ़ सकती, नमाज़ उनकी कज़ा नहीं है, नमाज़ को उसको छोड़ देना है, लेकिन रोज़े की उनको कज़ा रखनी पड़ेगी। और इसी तरह जो है हमला या रजा, जो हमला औरत है, तो उनके लिए भी है कि अगर वो हमल से है बच्चा उनके पेट में, तो फिर अगर उनको लगता है बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो उनको भी फिर रुखसत है, वो बाद में फिर वो चाहेगी तो बाद में इसको रख सकती है। इस तरह जो रजा, जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं, तो वो भी उनको छूट हो सकती है कि अगर ऐसा मसला है कि अगर वो ऐसे पिला सकती है, उसको कोई इससे परेशानी नहीं होती, तो फिर वो रख सकती है रोज़ा। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं, मैं कमज़ोरी मुझ में भी आ जाएगी और फिर बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, बच्चा भी कमज़ोर हो सकता है, तो फिर उसको भी रुखसत है कि वो उसको रोज़ा तक कर दे, या फिर वो एक छोड़ छोड़ कर भी रख सकती है, या फिर उसको बाद में उसकी कज़ा पूरी करेगी। और तो इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुनन नसाई की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफिर और हामला औरत और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा बाद में रखने की छूट दी है, तो उनको वो बाद में रोज़ा रख सकती है। लेकिन यह है कि उलमा इसके ताल्लुक से लिखते हैं कि अगर रजात, एक मसला ये भी आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो है एक औरत को जो है उसकी डिलीवरी जो है बच्चों की पैदाइश रमज़ान से पहले हो गई, अब वो पूरे महीने के उसके रोज़े उसको छोड़ना पड़ेंगे, तो पूरे महीने एक उन्हें रोज़ा छोड़ दिया। दूसरे रमज़ान जब आए तो रजात का वक्त चल रहा था, बच्चे को दूध पिलाना, अगर बच्चे को 2 साल तक दूध इस्लाम शरीयत के हिसाब से 2 साल तक उसको दूध पिलाया जाए, तो वो अगर उसमें रजात का मसला आ गया, फिर उसके बाद में मामलों ऐसा मामला जो है 2-3 साल उसका अगर चल गया, तो उसके ताल्लुक से उलमा यही लिखते हैं कि फिर वो है जो है वो भी एक मिस्किन को उसके बदले में एक मिस्किन को एक वक्त का खाना दे तो खिला दे, तो वो उसको कर सकती, क्योंकि नहीं तो फिर इतने 3-4 साल का मामला हो गया, 100-200 इसके अगर रोज़े इतने जमा हो जाए, 100-125 रोज़े, तो फिर वो उसको रोज़े की कज़ा और मुश्किलें की पूरी कर सकें, तो उसके लिए भी उलमाओं ने इसकी इजाज़त दी है कि मिस्किन को खाना खिला दे। और इसके अंदर ये भी नहीं कि हमला औरतें और ज़ोर ज़बरदस्ती से रोज़े रखें और ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं, क्योंकि शरीयत ने इंसान को सबसे ज़्यादा जो है इंसान की जान की हिफाजत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, वो फर्जियत के ऊपर भी जो है गालिब आ जाती है, तो अपनी जान पर जुल्म करके वो काम ना करें, अगर डॉक्टर ने मना किया तो उसको ना रखें।